हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य ज्ञान। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की पहचान यह है कि वाक्य के अंत में कोई भी आपको वाक्य दिया होगा, उसके अंत में लास्ट में ताहे तीहे तेहे होगा। जैसे राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, वह जाता है। देखिए लास्ट में जाता आ रहा है, ता आ रहा है लास्ट में। जो भी वर्ब होगा, क्रिया होगा, जो काम हो रहा है उसमें ता होगा। जैसे जाता है, जाना क्रिया है तो ता, जाता, खाता। वैसे ही आपको सीता गाना गाती है, राम आम खाता है, वे पढ़ते हैं, लास्ट में ता है ती है ते है आएगा। तो आप इसको देख के पहचान जाएंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है कि नहीं है। अब वाक्यों को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और एक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आपको एक बार रूल्स पता लग जाएगा तो आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मैंने कर्ता, जो काम कर रहा है वो पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने क्रिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा एस या ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दोनों डू या डज दोनों में से एक आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डू या डज ये पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैं एक वाक्य ले रहा हूँ जिससे आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक वाक्य में ले रहा हूँ, राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया राम। हमारे रूल्स पे आ जाइए आप, सब्जेक्ट हो गया राम, आम हो गया ऑब्जेक्ट, और खाता है हो गया क्या, हो गया वर्ब हो गया। यहां पर ये हो गया वर्ब, और आपको ये पता लग गया देख के, राम आम खाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है। तो यहां पर आप देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, ये पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम पहले आएगा। अब क्या होगा, वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, खाना, इट माने खाना, राम इट, यहां पर क्या होगा, इट, राम इट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, आम, राम इट मैंगो। अब ये वाक्य भी, सेंटेंस अभी गलत है, क्योंकि यहां पर राम क्या है, सिंगुलर है। मैंने आपको बताया नहीं कि एस या आई एस का प्रयोग हम कहां करेंगे, कैसे करेंगे। एस या आई एस का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको आपको याद करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। इसका मतलब यह है कि कोई भी अगर सिंगुलर होगा, जैसे राम क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। अगर राम और श्याम होता तो वहां पर हम एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एस या एस का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा वहां पर। जैसे राम, तो राम एक वचन है, तो राम इट में ऐसा आएगा, राम इट्स, राम इट्स मैंगो। अगर यहां पर होता राम एंड श्याम, राम एंड श्याम होता अगर यहां पर, तो यहां पर ये सिंगुलर नहीं है, यहां पर सिंगुलर नहीं है, यहां पर राम और श्याम दो हो गए, सिंगुलर तो नहीं है। तो राम और श्याम यहां पर होगा इट, इस टाइम में क्या होगा, इट्स नहीं आएगा। एक वचन, एक चीज आप देख लेंगे, सिंगुलर देख लेंगे, कोई भी चीज अगर एक वचन होगा तो वहां पर होगा इट्स, एस या एस का प्रयोग होगा वहां पर। और बहुवचन होगा, प्लूरल होगा, तो वहां पर एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, राम इट, राम इट मैंगो यहां पर। तो हमने अभी क्या देखा कि जब भी एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो वहां पर एस या एस का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए ये क्या बन जाएगा, राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। अब इसको नेगेटिव में बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे, राम आम नहीं खाता है, ये क्या है, एफर्मेटिव में क्या है, राम आम खाता है। अगर मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाऊं, राम आम नहीं खाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखिए राम डज नॉट होगा, डू होगा कि डज होगा, डज होगा, क्योंकि राम क्या है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है, राम डज नॉट, राम डज नॉट, फिर क्या होगा, ईट मैंगो, राम डज नॉट ईट मैंगो। यहां पर देखिए डज में आपने ईएस एक बार लगा दिया, तो यहां पर इट में एस नहीं आएगा, एस का प्रयोग एक ही बार होगा यहां पर सेंटेंस में, तो राम डज नॉट ईट मैंगो।
अगर राम और श्याम होता है यहां पर, तो राम और श्याम डू नॉट। एक वचन थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा अगर, राम सीता गीता एक होगा अगर, तो वहां पर हम एस का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, राम डज नॉट ईट मैंगो। अगर इसको मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाऊं, ये तो हो गया एफर्मेटिव, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर मैं इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखूं इसको, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम खाता है। देखिए बात को समझिए, क्या राम आम खाता है, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं खाली। क्या राम आम खाता है, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, दोनों में से एक ही जवाब होगा। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट नहीं होगा। अब डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होगा डब्ल्यू एच फैमिली क्या है। डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट हो गया जैसे वाट, ये डब्ल्यू एच फैमिली के पार्ट्स है, वाट वैन हाउ, ये जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, क्या राम आम खाता है, तो इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं। तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर डू या डज का प्रयोग होगा। एक और तरीका अगर आपको समझना है कि डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है कि नहीं, अगर वाक्य में क्या पहले आ जाए तो वो डब्ल्यू एच फैमिली का हिस्सा नहीं है, वहाँ पर डब्ल्यू एच नहीं आएगा। वाट वैन हाउ, आपको लग रहा होगा यहाँ पर क्या राम आम खाता है, क्या का मतलब तो वाट होता है, तो यहाँ पर वाट आना चाहिए पहले, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली का हिस्सा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हो गया क्या राम आम खाता है, आपको लग रहा होगा क्या का मतलब क्या होता है, वाट, यहाँ पर वाट आना चाहिए, मगर यहाँ पर ये डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि आप देखिए, क्या राम आम खाता है, इसका जवाब जब आप देंगे तो हाँ और ना में आप आंसर दे सकते हैं खाली। तो जब आप किसी क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं, वहाँ पर वो डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट नहीं होगा। जब भी वाक्य में क्या पहले आ जाए, जब भी वाक्य में क्या शुरू में आ जाए, तो वहाँ पर वो डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट नहीं है। एक और तरीका है पहचानने का, तो यहाँ पर ये वाट से शुरू नहीं होगा, यहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो राम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो डज यहाँ पर क्या होगा, डज यहाँ पर क्या होगा, डज राम, देखिए डज डू या डज में से डज आएगा, डज राम सब्जेक्ट है, राम इट मैंगो, डज राम इट मैंगो। अब यहाँ पर देखिए, डज में ईएस का प्रयोग हो गया है, यहाँ पर हमने यूज कर लिया, तो ईट में एस का प्रयोग नहीं होगा। वाक्य में सेंटेंस में एस का प्रयोग एक ही बार होगा, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में एस लगा दिया है, तो वर्ब में एस नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए आप इसको डब्ल्यू एच फैमिली में हम कैसे प्रयोग करेंगे, जैसे राम आम क्यों खाता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे डब्ल्यू एच फैमिली में बना के इसको पूछूं मैं, राम आम क्यों खाता है, देखिए राम आम क्यों खाता है। अब जब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि राम आम क्यों खाता है, राम आम क्यों खाता है, तो आप इसका जवाब हाँ और ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इस जब भी आपको कारण बताना पड़े तो वहां पर वो डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट पहले आएगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो वाई वाई फिर आएगा डज, वाई डज राम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वाई डज राम सब्जेक्ट क्या है, राम, वाई डज राम ईट मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये तो पता लग गया कि सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर होगा, जैसे राम यहाँ पर सिंगुलर है, तो वहाँ पर एस या एस का प्रयोग होगा। अब डाउट ये उठता है कि एस लगाएं या एस लगाएं, आपको मैं यहाँ पर कुछ बातें बता रहा हूँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि वर्ब देख के आप कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पर एस लगेगा या एस लगेगा। मान लीजिए यहाँ पर जैसे गो आ गया, गो मैंने क्या होता है, जाना, तो गो में हम क्या लगाते हैं, गोस लगाते हैं, गोस, ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर देखिए, जब आपको वर्ब दिया रहे, जैसे वर्ब के अंत में लास्ट में अगर लेटर या सी एच लिखा हो, जैसे लास्ट में एस एस लिखा हो, डबल एस, लास्ट में एस एच लिखा हो, वर्ब के लास्ट में एस एच लिखा हो, या वर्ब के लास्ट में ओ लिखा हो, या वर्ब के लास्ट में एक्स लिखा हो, अगर वर्ब के लास्ट में ये कुछ लेटर्स लिखे हो वहां पर एस एच लिखे, जैसे गो में क्या हो गया, ओ लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रश में क्या हो गया, ब्रश में क्या हो गया, एस एच लिखा हुआ है, देखिए ब्रश में क्या हो गया, एस एच लिखा हुआ है,
जब भी वर्ब के लास्ट वाला जो लेटर है अगर वो ओ हो या एस एच हो या डबल एस आ जाए या सी एच आ जाए या ओ आ जाए या एक्स आ जाए तो वहाँ पर वर्ब में हम ई एस लगाएंगे। जैसे गो में क्या होगा? गोज। ब्रश में क्या होगा? ब्रशेस। यहाँ पर ई एस का प्रयोग होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, पहली बात तो ये होगी, जहां पर आपको सी एच डबल एस एस एच ओ एक्स मिल जाए वहां पर आप ई एस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जैसे कुछ वर्ब दिए होते हैं, जैसे क्राई हो गया, क्राई क्राई। अगर आपको ऐसा वर्ड मिले, ऐसा वर्ब मिले जिसका लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे, सी आर आई ई एस, क्राइज। यहां पर क्या हो जाएगा? सी आर आई ई एस। ठीक है, एक बात ये। अब एक बात और देखिए आप, ओबे 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 में इसके लास्ट में भी वाई है, यहां पर भी लास्ट में लेटर देखिए वाई है ना, मगर इसके पहले क्या है? ई। ई क्या है? वोवल्स है, कॉन्सोनेंट तो नहीं है, ये वोवल्स है। तो अगर कोई वर्ब आपको दिया रहे उसका लास्ट लेटर वाई हो और उससे पहले वाला लेटर वोवल्स हो, ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक हो, तो वहां पर हम लास्ट में खाली एस लगाएंगे। जैसे ओबेज, यहां पर क्या होगा? ओबेज, ये हो जाएगा। और बाकियों में कुछ भी हो वहां पर एस लगेगा। यहां पर वाई देख के आपको आई ई एस लगाना है, वाई के पहले वाला अगर लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो वहां पर आप लगाएंगे आई ई एस। अगर सी एच डबल एस एस एच ओ एक्स लास्ट में आपको मिल जाए लेटर ये सब, तो वहां पर लगाएंगे आप ई एस, और बाकी जो मिले उसमें आपको एस लगाना है। अब यहां पर मैं और कुछ वाक्य ले रहा हूं जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को समझने में दिक्कत ना हो। जैसे मैं एक वाक्य ले रहा हूं यहां पर, वे घर जाते हैं। यहां पर वे क्या है? यहां पर वे सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो सिंगुलर में तो एस का प्रयोग होगा और प्लूरल में वर्ब के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा, तो ये प्लूरल है। दे का मतलब क्या होता है? वे, दे, यहां पर तो दे होगा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। आप जाके पीछे फॉर्मूले में देखिए, वर्ब क्या है? जाना। दे गो घर जाते हैं, दे गो टू होम, दे गो टू होम, यहां पर तो होगा दे गो टू होम, क्योंकि दे क्या है? प्लूरल है, तो एस का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। ये तो हो गया अफर्मेटिव। अब नेगेटिव में क्या होगा? वे घर नहीं जाते हैं, तो दे, अब यहां पर डू आएगा डज आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने में डू और डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज का। तो यहां पर प्लूरल है, सिंगुलर होगा तो डज आएगा, एक वचन होगा तो डज आएगा, यहां पर प्लूरल है तो देख के साथ आएगा डू नॉट, देख के साथ आएगा डू नॉट, दे डू नॉट गो टू होम। आपको ये बात याद रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी आप बनाएंगे उसका नेगेटिव सेंटेंस, तो वहां पर डू या डज का प्रयोग होगा, और डू का प्रयोग होगा प्लूरल के साथ, सिंगुलर के साथ क्या होता है? डज का प्रयोग। तो यहां पर होगा दे डू नॉट गो टू होम। अब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वे घर जाते हैं? अगर मैं बोलूँ इसको, सेंटेंस को ऐसे बोलूँ, क्या वे घर जाते हैं, तो क्या आ गया? देखिए, इसका जवाब आप हाँ और ना में देंगे, या तो हाँ होगा या ना होगा। तो क्या वे घर जाते हैं? या तो हाँ होगा जवाब, या तो ना होगा। तो क्या वे घर जाते हैं? यहाँ डब्ल्यू एच फैमिली तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, डू या डच पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए, दे क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ पर आएगा डू, डू दे गो टू होम, डू आगे आ जाएगा, दे गो टू होम, दे गो टू होम। अगर मैं इस वाक्य को अब ऐसे बोलूं कि वे घर कैसे जाते हैं, तो कैसे जाते हैं इसका जवाब आप हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। यहां पर आपको कुछ ना कुछ कारण बताना पड़ेगा, कार से जाते हैं या बस से जाते हैं, कुछ ना कुछ कारण बताना ही पड़ेगा आपको। तो ये यहां पर डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट हो जाएगा उस टाइम में। तो वे घर कैसे जाते हैं, अगर मैं इसको बोल दूं कैसे जाते हैं, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच का पार्ट हो जाएगा। तो कैसे का मतलब क्या होता है? हाउ, हाउ पहले आएगा, जब भी डब्ल्यू एच का पार्ट होगा तो वो पहले आएगा। फिर क्या आएगा? हाउ डू, हाउ डू हेल्पिंग वर्ब डू, दे गो टू होम, हाउ डू दे गो टू होम।
इसी तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कोई भी वाक्य को आप बना सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया तो पीछे जाके प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से देखिए, जिससे आपके आज ही सारे डाउट क्लियर हो जाए। और अपनी किताब से आप और भी वाक्य अलग अलग लीजिए, जिससे आपको बनाने में दिक्कत ना हो। और आपने अगर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब के साइड में एक घंटी का बटन है, उसको जरूर दबाएं, क्योंकि अगर मैं नया वीडियो कोई भी अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन उससे क्या होगा, आपको पहले से पहले मिलेगी।